दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए? ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो मुझे कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे सकता है? तो चलिए, आपकी और मेरी सोच काफ़ी मिलती है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से यही रिसर्च कर रही थी और हमारी पूरी टीम ने कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ निकाले हैं जिससे आपको मुनाफा ज़्यादा होगा और घाटा कहीं ना कहीं कम होगा, यानी कि रिस्क मिनिमम है। तो ऐसे कुछ बिज़नेस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस तरह के वीडियोज़ आप और देखना चाहेंगे को लेकर। कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और कौन सा भी ऐसा वीडियो है जो आप यहां पर देखना चाहते हैं। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। सोशल मीडिया एक्सपर्ट, हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी बिजनेस हो, वो अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया पर जरूर करता है। ऐसे में अगर आपको सोशल मीडिया का ज्ञान है और आप इंटरनेट पर रहना एंजॉय करते हैं, तो क्यों ना इससे कुछ पैसा ही कमा लें। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोग काम पर रखते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए उन्हें टारगेट कर सकें। इसलिए अगर इस फील्ड में आपकी पकड़ मजबूत है तो आप जरूर ये काम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में अच्छी बात यह है कि आप इसे घर बैठे फ्रीलांसिंग के तौर पर भी कर सकते हैं। फिटनेस सेंटर, आजकल हर जगह फिटनेस का बोलबाला है। फिर से एक बार लोग समझने लगे हैं कि आने वाले समय में अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग रहते हैं तो आप इसका फायदा लोगों को भी दे सकते हैं और घर से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। जुम्बा, योगा, डांस क्लास आदि ऐसे कई विकल्प हैं जो आप कर सकते हैं। इन सब के लिए आजकल आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। गार्डनिंग एक्सपर्ट, आजकल ये बिजनेस भी काफी मुनाफा देने वाला बन गया है। इसमें आप पौधे उगा सकते हैं और नर्सरी खोलकर बाकी लोगों को उन्हें बेच सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाकर लोगों के लिए गार्डन प्लानिंग कर सकते हैं, जिसमें किसी भी घर या ऑफिस के लिए आप पूरी तरह से गार्डन को सजाकर देते हैं। इस बिजनेस का आगे चलकर काफी स्कोप है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा जगह नहीं रही और शहरों से पार्क आदि भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे में छोटे स्पेस में हम होम गार्डन की एक विकल्प को ढूंढ सकते हैं। YouTube चैनल बनाकर, हालांकि ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर आजकल वीडियो के जरिए अच्छा पैसा कमा लेना बहुत आम है। अगर आप में ऐसा कोई टैलेंट है जो आपको लगता है आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो आप यूट्यूबर बन सकते हैं। एक समय के बाद आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर आराम से पैसे कमा सकते हैं, जिसके बाद आपके चैनल पर एड्स आना चालू हो जाएंगी और आपको उसके लिए पेमेंट मिलेगा। प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है किसी और के लिए कोई काम करना जिसके लिए वो आपको पेमेंट करता है। अगर आपके पास वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइटिंग, फोटो एडिटिंग, ट्रांसलेशन इत्यादि या अन्य कोई टैलेंट है, तो आप आसानी से प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स बनकर पैसा कमा सकते हैं। आपको ऐसी बहुत सी साइट्स मिल जाएंगी जहां आप अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं। इसके अलावा आगे चलकर आप लोगों की टीम बना सकते हैं जो आपके लिए काम करेंगे और साथ ही उन्हें रोजगार भी मिलता रहेगा। मेकअप आर्टिस्ट, अगर आपको मेकअप करना पसंद है और आपको उसकी जानकारी है, तो आप इसमें कोर्स कर अपना मेकअप सैलून खोल सकते हैं। इस बिजनेस में मुनाफा काफी रहता है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपना नेटवर्क बढ़ाएं, नई तरह की तकनीक से हमेशा अपडेट रहें, अपने काम की क्वालिटी बनाए रखें। होम कैंटीन, आप होम कैंटीन का काम शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए भी कैंटीन रख सकते हैं। इसी तरह लंच या स्नैक्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इस बिजनेस में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप साफ सफाई का खास ध्यान रखें। फार्मिंग बिजनेस, अगर आपके पास शुरुआती लागत लगाने के लिए पैसा है, तो आप खेती का बिजनेस कर सकते हैं। आजकल वो जमाना नहीं रहा जब लोग खेती बाड़ी बस अपना घर चलाने भर के लिए करते थे। आजकल फार्मिंग भी एक तरह का बिजनेस हो गया है। आप जीरो बजट फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं और अपने उत्पाद को मार्केट में बेच कर मुनाफा कमा सकते हैं। आपके पास अगर अपनी बड़ी जमीन है तो आप उस पर फिश फार्मिंग या एनिमल फार्मिंग भी कर सकते हैं। बुटीक, बहुत से लोग होते हैं जो बिना किसी कोर्स के फैशन की काफी समझ रखते हैं। आप भी उनमें से एक हैं, तो आप अपना क्लोथिंग बुटीक खोल सकते हैं। इसके लिए आपको सही प्लानिंग और लोकेशन की जरूरत है। आप कम लागत में भी ये बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। केक मेकिंग बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप घर बैठे ही शुरू कर सकते हैं। आजकल लगभग हर इवेंट पर इस्तेमाल किया जाता है, भले ही किसी का बर्थडे हो या एंगेजमेंट या शादी की पार्टी। इसलिए केक मेकिंग और बेकरी बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इस बिजनेस में आगे चलकर आप बेकरी को भी जोड़ सकते हैं। बेकरी में आप अपने खासियत के हिसाब से अलग तरह की कुकीज, ब्रेड रख सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको लागत भी कम लगनी है और कुछ समय बाद आपको अच्छा खासा फायदा होने लगता है।
तो ये थे मेरे कुछ आइडियाज़ जो मैंने रिसर्च किए, हमारी पूरी टीम ने रिसर्च किए और आपके सामने पेश किए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लगता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारा ये एक तरह से कह सकते हैं कि मुहिम है आत्मनिर्भर भारत बनाने की। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप भी एक कदम हमारे साथ आगे की बढ़ाइए, हमारे साथ चलिए और आइडियाज़ अपने शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके आइडियाज़ से हमें प्रोत्साहन मिलता है कुछ और वीडियोस बनाने का। और ऐसे ही ये जो चेन है वो आगे चलती रहनी चाहिए, चेन टूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।